up guys, we are currently at Tampines Hub. My sister is not really happy, but we are currently going to visit. No, I was tired yesterday, not happy today. I'm happy. It's just she doesn't like that I am always saying that where we are and where we are about to go, but we are currently going to head to the library in Tampines Hub just because to check it out. Why not, and to check it out. Let's go. By the way, if you're ever in Tampines Hub, there is this thing called program schedule. You can see the Festive Hub Plaza schedule. All of the movies are stated here. And then on Central Plaza, oh look, they're going to play Kabhi Khushi Kabhi Gham. Presented in Hindi as well. HK as well. And they played there. That's a big screen. That's a big screen. Wow. But that's dope. Psych, we're not in a football field. This is actually the football field which is in between the Tampines Hub, the mall. Someone is actually playing. Okay guys, so I'm voicing this part over. Why? Because I was too shy to speak at that moment only. Currently we are in Tampines library and this is the movie section. The cool thing about this library is, first of all, it has movies, and that you can rent those movies. Books ke alag alag sections hain. Is tarah se likha hai, aap dekh sakte ho. Ye mere do bachche. Hum sabko padhne ka bahut shauk hai. Stairs se bhi ja sakte hain aur escalator se bhi ja sakte hain. Activity areas. चलते हैं दूसरे फ्लोर पर और यहाँ बहुत तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ एरिया हैं, जैसे वहाँ पर है, यहाँ पर है. वाओ, बैठने के लिए अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे मर्जी आप बैठ के यहाँ पढ़ सकते हो. और बच्चों का एरिया भी है यहाँ पर. हम जा रहे हैं फैमिली एरिया में. आओ, यहाँ सीरीज भी हैं, क्या देख सकते हैं इनको? एक सीरीज दिखाओ. नहीं. Delicious. Princess of Pink Treasure. यहाँ बैठ कर मैच भी देखा जा सकता है, साथ में पढ़ भी सकते हैं. फुटबॉल ग्राउंड है इस लाइब्रेरी के एक दूसरी साइड. अभी हम और ऊपर जा रहे हैं. बच्चों के लिए गेम एरिया भी है यहाँ पर, कि बड़े लोगों को पढ़ना हो तो बच्चों को गेम एरिया में छोड़ सकते हैं. और अब हम पहुँच गए एक और फ्लोर पर, जो है चिल्ड्रन रीडिंग गार्डन. वाओ, लिफ्ट भी है इस पर, पूरा लिखा है ऊपर नीचे. अगर जाना है आपको किस फ्लोर पर तो यहाँ से चूज़ कर सकते हो. और यहाँ पर है डायरेक्टरी, इसमें भी देख सकते हैं कि हमें कहाँ पर जाना है. कुछ नोट्स लगाए हुए हैं लोगों ने अपने यहाँ पर. यहाँ से अगेन ये एरिया कितना अच्छा नज़र आ रहा है. फुटबॉल लाइव देख सकते हैं, कुछ टीम्स यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं. मेरा एंगल नहीं आ रहा है कैमरे में, तो आगे चलते हैं. वाओ, कितने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है बैठने के लिए. कुशन वाला एरिया है, स्टेयर्स है कि अगर ऊपर से बुक्स लेनी है तो. वाओ, कंफर्टेबल. डेकोरेशन कितनी अच्छी है, वॉल्केनो स्टोन से कितने अच्छे लग रहे हैं. इसको शायद कोई बुक उनको पसंद आई है, तो वो शायद ऊपर से कुछ लेने जा रहा है. वो इतना रेडी हो रहा है जैसे कोई माउंटेनियरिंग के लिए जा रहा है, क्योंकि वो बेसिक माउंटेनियर है इसलिए. और उसने बुक
ढूंढ ली है और वो नीचे आ गया है, नहीं आया, आ रहा है, वो पसंद करा रहा है कि यही बुक है या नहीं, नहीं ये बुक नहीं है, वेस्ट हो गया, तीन सीढ़ी चढ़ना वेस्ट हो गया। बुक्स बुक्स, और यहाँ ओपन में भी लगता है बुक्स है, यहाँ लिखा है प्रेस टू ओपन, तो देखते हैं जाकर। वाह कितना प्यारा बना हुआ है, और यहाँ से स्टेडियम भी पूरा नज़र आ रहा है। वाह लवली लवली, वैसे सारा कवर्ड है ये, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं इजीली। मतलब ऊपर नहीं जा सकते इस ओपन एरिया के बाद भी, यहाँ भी एक और एरिया है। मेरे बच्चे मुझसे कहीं बिछड़ गए हैं, पहले मैं उनको ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में वाईफाई अटैच नहीं है, वो गुड मिल गए। बुक्स 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 ही बुक्स, मेरे फ़ोन में वाईफाई अटैच कर दो ताकि हम खो जाएं तो हम फ़ोन कर सकें। फोटो सेशन मेरा स्पेक्स लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा पावर का है, गिरना मत, जल्दी करो जो करना है। ओह लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन को स्पेक्स लगा ज़रूरी है क्या? सर्च कर सकते हैं, आपको जो बुक देखती हो वो यहाँ अवेलेबल है, तो कहाँ पर है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ सामने एक और अनदर एरिया है पढ़ने के लिए, अलग अलग तरीके से यहाँ चेयर्स लगे हैं। ये लैब है, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 3D प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये 18 से नीचे वालों के लिए है। तीन फ्लोर हम देख चुके हैं, अब हम चलते हैं फोर्थ फ्लोर पर जो कि है ऊपर। फोर्थ फ्लोर पर अगेन बैठने के लिए अलग अलग स्टाइल है। वाओ यहाँ बुक्स की डेकोरेशन भी एकदम डिफरेंट है, ये बुक्स को कैरी करने के लिए है। बुक्स बुक्स बुक्स, हर तरफ बुक्स। इनको देखने देते हैं, कुछ और देखते हैं हम आगे चलकर। रिक्रिएशन, यहाँ इस टाइप की बुक्स होंगी। और डिफरेंट एरिया जिसको जिस तरह से कंफर्टेबल हो बैठ कर पढ़ सकते हैं। ये आर्ट्स के सेक्शन में आ गए हैं, यहाँ पर सारी आर्ट्स से रिलेटेड बुक्स हैं। उसी तरह से ये है बिजनेस बुक्स, और यहाँ पर है ट्रेवल बुक्स, पैचवर्क, क्विल्टिंग, और इस तरह की कितनी सारी बुक्स हैं जिसको लेकर मैं आइडियाज ले सकती हूँ नए नए DIYs करने के लिए। हम शॉर्ट रास्ते से निकल के आ गए यहाँ पर, बुक्स का जंगल है तो। और बुक्स के जंगल में मिली है ड्रीमिंग इन हिंदी। यहाँ हर एक टॉपिक पर अलग अलग बुक है, जैसे ये चाइना होम, थाई स्टाइल, सुपर डिज़ाइन, और इस तरह से एक एक पूरा ब्लॉक एक एक टॉपिक को दिया हुआ है इन्होंने। अमेजिंग, मुझे लगता है पूरी दुनिया से बुक्स लाकर इन्होंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं कि कोई भी बुक रह ना जाए। जैसे कि मैं जब अपने लिए बुक देखने लगी तो मैंने एक चूज़ की मेड बाय हैंड, इतनी बुक्स हैं कि लग रहा है सारी पढ़ लो या सारी ले जाओ। ये क्विल्टेड बैग से रिलेटेड है, और ये है एप्लिक वर्क, और ये है अल्टीमेट क्विल्टिंग बाइबल। तो ये चार बुक्स मैंने अभी सेलेक्ट किए पढ़ने के लिए, लेकिन एक एक टॉपिक पर ये पूरे पूरे शेल्फ भरे हुए हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़कर। तो ये तो मैं एक डिपार्टमेंट दिखा रही हूँ, इसी तरह से यहाँ पर बहुत तरह तरह की बुक्स हैं। अल्टीमेट क्विल्टिंग बाइबल को पढ़ते हुए मैंने देखा कि इसमें एक आर्ट कांथा वर्क भी है। ये हमारे यहाँ की आर्ट है, तो मैं बड़ा मज़ा आया ये देखकर। ये एक
आर्ट के लिए एरिया है, पब्लिक आर्ट एरिया, जहाँ पर कोई भी अपने प्रोजेक्ट या बुक्स लाकर दे सकता है। ये बुक मुझे देखनी चाहिए थी वाइल्ड बेबीज, लेकिन अभी टाइम ख़त्म हो गया। यहाँ पढ़ते पढ़ते अगर फ़ोन चार्ज ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्विक चार्ज है और पूरी वार्निंग्स लिखी हैं कि अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें, तो इट मीन्स यहाँ पर कभी चोरी भी हो सकता है शायद, इसलिए लिखा, लेकिन फिर भी एक फैसिलिटी तो है। पब्लिक लाइब्रेरी कंपनीज रीजनल का ट्रिप हम आज ख़त्म करते हैं और आपको आई होप इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। Okay, so we are currently at the top of Tampines Hub and they have free foosball, bro. Free. Table. Free foosball. Amazing. But you still have to collect your ball from the information counter before playing. But I mean, you can bring your own ball and play. And I guess that is going to be it for this vlog. We went to Tampines Hub. We probably will watch Captain Marvel tomorrow at Tampines Art Theatre. But this was the vlog. We enjoyed a lot. I love the library in Singapore. And yeah, I hope you guys are enjoying these vlogs. And I'm actually working really hard without any reason to edit these videos and push them out. But this was the son from the mother and son. Go with the mother. Sign off. Bye.